गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश। मेरा नाम कार्तिक और आप देख रहे हैं खबर टीवी न्यूज। चलिए हम बात करते हैं आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां पर शुक्रवार को जवारों का विसर्जन किया गया। नवरात्रि में बैठकी से जवारा कलश, घी कलश और तेल कलश की स्थापना की जाती है। शुक्रवार की शाम चेतना नगर स्थित सिद्धि बाबा से जवारों के साथ काली नाच का चल समारोह शुरू हुआ और अपने अपने स्थानों से जवारों का विसर्जन किया गया। अगली बड़ी खबर है शिवपुरी से, जहां पर नवागत जिलाधीश किशोर कुमार कन्याल ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों के साथ परिचयात्मक बैठक में अपनी प्राथमिकताएं और कार्य करने के तरीके बताते हुए कहा कि हम लोग सेवक हैं, लोगों की संतुष्टि के लिए एक साधक की तरह काम करते रहें, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अगली बड़ी खबर है जबलपुर से, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने शुक्रवार को जबलपुर के भंवरताल स्थित कला विथिक सांस्कृतिक थिएटर में संगठन पर्व में IMBJP फ्यूचर फोर्स के तहत उद्यमियों एवं प्रोफेशनल एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को विजयदशमी की शाम भोपाल में दशहरा कार्यक्रम में शामिल हुए। यादव इसके दोपहर पूर्व महेश्वर और दोपहर बाद इंदौर में शस्त्र पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। यह जानकारी जनसंपर्क अधिकारी अशोक मानवीय ने दी। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, आर्थिक समृद्धि के साथ आध्यात्मिक समृद्धि भी आवश्यक है। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए कि हमारे बच्चे संस्कारहीन हो जाएं। उन्होंने कहा कि परिवार की सर्वांगीण उन्नति एवं प्रगति के लिए प्यार और संस्कार चाहिए, जो हमें अध्यात्म और संस्कारों से मिलेंगे। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार शाम उज्जैन जिले के नांगदा में आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से शामिल होकर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़कर ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर है भोपाल से, जहां पर मध्य प्रदेश में आज दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग अपने वाहनों की धुलाई कर पूजा पाठ में लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विजयदशमी पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अगली बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पर विजयदशमी पर्व पर भगवान श्री महाकालेश्वर की सवारी निकाली गई। महाकालेश्वर मंदिर में अपराह्न 4 बजे शुरू होकर भगवान की सवारी नवीन परिवर्तन मार्ग श्री महाकालेश्वर मंदिर से गुदारी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, सरापा सती गेट, नई सड़क और दौलतगंज होते हुए दशहरा मैदान पहुंची। अगली बड़ी खबर है उज्जैन से, जहां पर शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी पर शुक्रवार को पारंपरिक रूप से शासकीय नगर पूजा की गई। इस दौरान कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने 24 खंडा माता मंदिर पहुंचकर माता महामाया और महाकाल को मंदिरा का भोग लगाकर नगर पूजन की शुरुआत की। दोस्तों, यह थी आज की अभी तक की मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें जो हमने आप लोगों को सुनाई। अब आगे देखते हैं मध्य प्रदेश से क्या कुछ नया अपडेट आता है। वह तमाम खबरें हम आपके सामने बहुत ही जल्द लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी के लिए नमस्कार। बहुत ही जल्द मिलते हैं मध्य प्रदेश के न्यू अपडेट के साथ।